मैं अगर आपसे पूछूं, आपके पास बहुत सारे रीजंस होते होंगे जो लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग अलहदगी के लिए आते होंगे, लेकिन फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं 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 कर रहे, जिस बात ही होके पैचअप कर लेते होंगे, तो आपने ऐसे अपने अपने करियर में आपने इस तरह के क्या क्या एक्सपीरियंसेस बेयर किए? जी बेशुमार, ये लोग छोटी छोटी बातों में जो वो होता है कि बात बढ़ जाती है, हाँ। और ख़ास तौर पे जो ख़ुद अगर मियाँ बीवी अपनी बात को कम्युनिकेट करके आपस में बातचीत करके अगर वो हल करें तो बहुत आसान हो जाता है हल करना। वो जब बात जो है वो लड़का जाके अपने माँ बाप को बताता है तो उनकी बहनें भी शामिल हो जाती है, लड़की जाती है अपनी अम्मी को सुनाती है, वो दो खानदानों की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाते हैं। फाइनली ये हो जाता है कि वो कहते हैं जी अब कोर्ट जाएंगे और खुला लेंगे, डाइवोर्स लेंगे, अलहदगी होगी। हालांकि दो दो तीन तीन बच्चों के बाद अलहदगी के लिए आते हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो आपको लगता है कि अलहदगी जो है ये एक वॉर की तरह बन जाती है जब खानदान इंक्लूड हो जाते हैं, मियाँ बीवी नहीं रहते, मियाँ बीवी अगर आपस में अपना मसला हल करें। बात औकात ये सुलह के लिए भी ना 10 बंदे बैठते हैं, 4 खालाएं बैठ गई, 3 चाचे बैठ गए, वो सारे सबका अपना अपना व्यू है, फिर शरायत आनी शुरू होती हैं। ओके, तो इन चीज़ों में शर्तें नहीं होती, हाँ। ये तो अंडरस्टैंडिंग होती है, बिल्कुल। तो जब वो शरायत में घुसते हैं तो कंप्रोमाइज ही नहीं होता। ओके, लेकिन अगर वही मियाँ बीवी को अकेले कमरे में बिठा दें, उनसे कहें कि भाई आपस में बात कर लो, वो आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस? जी मेरा एक्सपीरियंस कि जब, जब दो लोगों से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, बीच के लोग शामिल हो जाते हैं तो झगड़ा बढ़ जाता है। ओके, बजाय वो सॉल्व करने के चस्के लेते हैं और खामुखा बहुत इम्पोर्टेंट चस्के। बहुत बहुत सारी हमारी खाला फुपियाँ माजरत के साथ रिस्पेक्टेबल रिलेशन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो फ्री हैं। बात सिर्फ चस्के की भी नहीं होती, होती भी है ऑफकोर्स, लेकिन एक और भी बात होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू। यस, आपकी खाला को आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, ठीक है, आपकी खाला उस जिस भी इंसिडेंट से आपका झगड़ा शुरू हुआ या प्रॉब्लम शुरू हुई है उस जगह नहीं थी, हाँ। वो जो दूसरा फरीक है उसकी बात नहीं उनको पता, आपने उसमें उधर क्या किया है उनको नहीं पता, शी ओनली नोज योर साइड ऑफ द स्टोरी। एग्जैक्टली, और वो वैसे भी साइड आपकी लेंगी ना ज्यादा, तो वो सुन की क्योंकि सुनी आपकी बात नहीं है, आप रो रो के उनको सुना रहे हो, आप अपसेट हो, आप परेशान हो, वो आपकी खाला है, उनका फर्ज है कि वो आपकी सुने, वो आपकी सुनेंगी तो वो जाहिर है आपको कंडोल करेंगी, आपके साथ हमदर्दी करेंगी, कहेंगी कि अच्छा ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है। बात ये है कि खाला को भी ये पता है, पता होना भी पता ही है, हाँ। कि मैं ये सिर्फ इस अच्छा सबको अपने बच्चों का भी पता होता है, चाहे वो खाला हो उनको भांजी का पता है, माँ है उनको, हाँ। बेटी का पता, हाँ। है हर किसी को बहन का पता है, exactly. भाई का पता, हाँ। है माँ को बेटे का पता है, सो उनको उनके वीक पॉइंट्स, उनकी कैरेक्टर में जो भी तेजी है, फ्लॉज हैं, कोई थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स के जहाँ वो ट्रिगर्स हैं उनके, exactly. वो उनको पता है, हाँ। लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई आपका ट्रिगर फिगर आउट करे, कोई आपका सोचे कि अच्छा इस सिचुएशन में मेरे बेटे ने ये कहा होगा तो फिर इस लड़की ने ये रिएक्ट किया, किसी के पास नहीं, वो सिर्फ एक तरफ की बात सुनेंगे, हाँ। और अपनी हमदर्दी का इजहार कर देंगे, आप उस हमदर्दी से इतनी खुश हो जाएंगी या हो जाएंगे कि आप कहेंगे देखा मैं सही थी, मेरी खाला ने भी कह दिया है, मेरी अम्मी ने भी कह दिया है। बच्चे चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इस रिलेशनशिप में जिंदगी आपकी है, खाला अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार रही है, अम्मी भी गुजार चुकी हैं, अम्मी भी अपनी जिंदगी को इन्हीं सब जगहों से गुजार के एक जगह पहुंचा चुकी हैं, है ना। जिन जिन लोगों को आज आप जिनसे मशवरा लेने जा रहे हो वो लोग नहीं है जो अपनी शादियां तोड़ चुके हैं, है ना। आप जनरली उन लोगों के पास जाते हो, आपको उन्हीं की अप्रूवल चाहिए होती है जो कि शादीशुदा जिंदगी में है, तो आप ये देखो कि अगर वो शादीशुदा जिंदगी चला रहे हैं तो एक लम्हे के लिए भी ना सोचो कि जिस जगह पे आप आज हो वो उस जगह से गुजरे नहीं है। किसी की जिंदगी बेड ऑफ रोजेस नहीं होती, नहीं, यही शादी एक ही तरह की होती है, पीरियड खत्म हो गया, सबका सेम ही होता है, सबका सफर
सेम है। मैं बहुत सारे लोगों को यही बात बताती हूँ ऑल द टाइम कि अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि उसकी शादी बहुत खूबसूरत है, उसका मियाँ तो उसका इतना ख्याल रखता है, उसका मियाँ तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, यू नो, या फिर किसी की बीवी अगर कोई लड़का ये सोच रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं वो झूठे हैं या वो बहुत ही प्यारे लोग हैं क्योंकि उनको सिर्फ अच्छा नजर आता है। सो किसी को देख के हम ज्यादातर ये करते हैं। अब ज्यादा इसलिए भी होने लगा है, अगर आप अगर सोशल मीडिया उठाएं, इंस्टा किसी को देख के जिंदगी तो मियां बीवी घूम रहे हैं तो हाथ पकड़ा हुआ है तो स्माइल हो रही है, वो जो स्पेशली हमें ड्रामे और फिल्मों के लिए करना पड़ता है वो अब हम रियल लाइफ में भी कर रहे हैं अपनी इंस्टा स्टोरीज पे, और उसकी वजह से ट्रिगर कर रही है दूसरे कपल्स को ये कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। बना सकते हैं, हम आपको टिप्स दे देंगे कि हमारे पास कैमरामैन भी है जो बिल्कुल वैसे ही शूट करेंगे जैसे उन्होंने शूट किया हुआ, चाहे अंदर से कहानी कुछ भी हो। But